गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे, नहीं आज है थर्सडे, और सुबह के 9 बजने वाले हैं। यहाँ पे चल रही है लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो लंच के लिए दाल मैंने रखी है बॉईल होने के लिए, और एक्चुअली आज मैं नाश्ते में ना ये बना रही हूँ चना मसाला, सूखा वाला एकदम, और इसके साथ मैंने साबुत मूंग भी बॉईल करके रखी है, और दोनों बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। इसको मैं मसाले डाल के फ्राई करने वाली हूँ। कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल वाला, जैसे हम व्रत में बनाते हैं ना, तो वही सिंपल तड़का इसमें मैं लगा रही हूँ। पानी की आवाज़ आ रही होगी, हस्बैंड अभी नहाने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने पानी ऑन किया हुआ है, और आज भी सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है और मुझे फिर से कोल्ड हो गया है। हम लोग अभी सब्ज़ी लेके भी आए हैं, सब्जी ये रखी है और थोड़ी सी ये रखी है, तो ये भी मुझे वॉश करनी है। ये काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है थोड़ी देर में। हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, हरी मिर्च खेत से तोड़ के लाया है। पीछे साइड जो खेत में लगी है ना, बहुत ही फ्रेश है, और उसको देख के लग रहा कि बहुत तेज़ वाली हरी मिर्च है ये, तो आज मैं इसी से तड़का लगाने वाली हूँ, हरी मिर्च का तड़का। और वैसे हम लोग कभी तोड़ते नहीं हैं, आज हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने तोड़ लिया। अंकल जी ने बोला था जो कभी ज़रूरत हो तो तोड़ लेना वहाँ से, तो इसलिए आज दो चार हरी मिर्च मैं तोड़ के ले आई। मतलब मेरे हस्बैंड गए थे अभी खेत में ना, जाने जैसा नहीं हो रहा, बहुत कीचड़ हो रहा है पानी की वजह से ना। साढ़े 12 बज गया है, मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए, अभी मैं नहा के आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश नहीं की क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, कल करूंगी। और वैसे भी मुझे ना शाम को हेयर ऑयलिंग करनी है, आज गर्मी थोड़ी सी कम है तो मैं सोच रही हूँ हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो इसीलिए हेयर वॉश करने का प्लान मेरा कल का है। और अभी जैसे काम वाम सब खत्म हुआ वैसे ही बारिश लग गई है बाहर, अभी तो स्टार्टिंग में तो हल्की हल्की हो रही है। कल शाम को भी बहुत तेज हुई थी, कल बहुत अच्छी धूप आई थी दिन में, शाम को बहुत बारिश हुई थी और रात को भी हुई थी थोड़ी बहुत, और अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और सारा काम मेरा हो गया है, किचन मेरा सारा क्लीन है, सब्जियां जो आई थी मैंने सारी वॉश कर दी हैं, बस मुझे धनिया छान के रखना है, और धनिया काफ़ी फ्रेश था तो मैं छान के रख देती हूँ अभी। और बाकी सब्जियों को सूखने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बरसात के सीजन में ना बर्तन सब्जियां सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी उनको तो मैं शाम को ही रखूंगी। एक व्लॉग मेरा पूरा बना हुआ है, बस उसको अपलोड करना बाकी है, एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ी बहुत एडिटिंग उसमें रह गई है, तो इसीलिए आज मेरा कोई व्लॉग नहीं जा पाया, क्योंकि वही होता है ना, व्लॉग तो मैं डेली बनाती हूँ, अपलोडिंग का टाइम और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस कल मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाया था, तो अभी मैं वो एडिट करके कंप्लीट करती हूँ और कल मॉर्निंग के लिए वो पूरा अपलोड करके रेडी कर देती हूँ। तो सब्जियों में खीरा है, बीन्स है, और 3 शिमला मिर्च लेके आई हूँ, टमाटर थोड़े से रखे हुए थे पहले से तो इसलिए थोड़े से टमाटर, 3 एप्पल लेके आई हूँ और 2 अनार, फूल गोभी लेके आई हूँ मैं आज, बहुत दिनों से फूल गोभी बनाई नहीं थी तो मैंने सोचा आज ये ले आते हैं। और इसके अलावा मटर है, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है, उसके अलावा गाजर और भिंडी, यह है धनिया, काफ़ी फ्रेश लग रहा है तो इसको फटाफट से मैं छान दे दूँ।
अभी शाम का टाइम हो गया है, जितने भी धुले वाले बर्तन थे सुबह के वो सारे मैंने अरेंज करके रख दिए हैं क्योंकि वो सूख गए थे। और इसके अलावा जितने भी फल और सब्जियां मैंने वॉश की थी वो भी लगभग सूख चुकी हैं, तो इनको मैं अच्छे से कपड़ों में रैप करके रखूँगी। इस तरीके से रखने से सब्जियाँ जल्दी सूखती नहीं हैं और लंबे टाइम तक चलती हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से रख रही हूँ। और पुराने वाले टमाटर मैं बाहर निकाल दूँगी, इनकी मुझे अभी चटनी बनानी है। और बाकी नए वाले टमाटर मैं अच्छे से रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। और दोपहर में मैंने अनार भी पील ऑफ करके रख दिया था, एक अनार का दाना। तो इस तरीके से ना मुझे इजी लगता है, जब खाने का मन हो तो फटाफट से निकाल के खा लो, उस टाइम पे छीलना नहीं पड़ता, वॉश नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने अच्छे से छील के वॉश करके रख दिया है, इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और इसके अलावा मटर जो लेके आई थी, मटर भी मैं पील ऑफ करके रख दूंगी, इसके दाने निकाल दूंगी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्रिज में जगह की बचत होती है, क्योंकि छोटा फ्रिज है तो सारा सामान नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से डब्बों में भर के रख देती हूँ। जो चीज़ें डब्बों में रखने वाली होती हैं उनको मैं इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। तो सारे मटर मैंने छील के रख दिए हैं फ्रिज में स्टोर करके। और इसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ वेज मोमो, तो उसकी तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और भी शाम के 4 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और मोमो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, काफ़ी सारी चॉपिंग इसमें करनी पड़ती है। तो जो जो चीज़ें मुझे चॉप करनी है वो सारी मैंने काउंटर टॉप पर पहले ही निकाल के रख दी हैं, मैं इनको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लूँगी और उसके बाद मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं बना रही हूँ मोमो, और वेज मोमो बना रही हूँ पत्ता गोभी का, क्योंकि पत्ता गोभी हम लोग मॉर्निंग में लेके आए थे और सुबह हम लोग सब्जी की शॉप में गए थे ना, तब पत्ता गोभी देख के दिमाग में आइडिया आया कि चलो मोमो बनाते हैं आज। और वैसे भी पत्ता गोभी से आज तक मैंने कभी मोमो नहीं बनाया, मैं जब भी मोमो बनाती हूँ सोयाबीन से बनाती हूँ, लेकिन आज पहली बार पत्ता गोभी की स्टफिंग यूज़ करने वाली हूँ और साथ में गाजर भी यूज़ करूँगी, तो काफ़ी हेल्दी रहने वाले हैं। और मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आटे के मोमो बना रही हूँ, तो बहुत हेल्दी होने वाले हैं। तो सबसे पहले चटनी की तैयारी करते हैं और उसके बाद मैं बाकी मोमो के बनाने की तैयारी करूंगी। तो चटनी बनाने के लिए पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है और इसमें से धुआं आना स्टार्ट हो गया है, तो चलिए आगे की प्रोसेस मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मोमो चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैं आज सारी रेसिपी दोबारा से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पुरानी वीडियोज़ में जाके रेसिपी ना सर्च करनी पड़े। तो यहाँ पे पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर और साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा कलर आता है चटनी में, तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप 4-5 और ऐड कर सकते हैं। और बस इसको करीबन 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है और इतनी देर में इसके सारे छिलके उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके बाद मैं इनको निकाल दूंगी पानी से और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद हम आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और अब देखिए टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो जो इनके छिलके थे वो मैं अच्छे से निकाल दूंगी सारे। और इस तरीके से अगर आप चटनी बना के एक बार ट्राई करेंगे बहुत अच्छी लगती है, और मोमो के साथ में खासकर यही वाली चटनी बनती है जो कि बाहर ढाबों में या फिर ठेलों वगैरह में मिलती है, बहुत स्पाइसी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके बाद हम इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे, तो चाकू से 2-2 पीसेस मैंने कट कर लिया है इनको, ताकि इनको ग्राइंड करने में आसानी रहे। और इसके अलावा सूखी लाल मिर्च जो मैंने बॉईल की थी वो भी ऐड कर दूंगी, साथ में 2 हरी मिर्च और डाल दी हैं मैंने थोड़ा सा और स्पाइसी रखने के लिए, क्योंकि ये चटनी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। साथ में 2 से 3 मैंने लहसुन की कलियां डाली हैं, ये आप ज़रूर डालें। इसके अलावा आप अदरक भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करना है, बहुत फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए और हमारी चटनी बनके हो जाएगी तैयार। बस इसमें हमें फाइनल प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। उसके अलावा सॉल्ट हमने नहीं डाला था, तो सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद करीबन 1/2 टीस्पून मैंने विनेगर लिया है, वाइट विनेगर, और साथ ही सेम क्वांटिटी में मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है। तो बस हमारी मोमो की स्पाइसी चटनी बनके तैयार है। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाई है चटनी तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो बस चटनी बन गई है, मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए।
अब दूसरी तरफ तैयारी करेंगे मोमो के लिए आटा बनाने की। तो मैं यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। मैदा वाले मोमो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो थोड़ा अनहेल्दी वे में हो जाते हैं, तो इसलिए मैं घर पे एकदम हेल्दियर वे में बना रही हूँ। और गेहूं के आटे से बने हुए मोमो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि गेहूं के आटे से ही बनाऊँ। तो यहाँ पे करीबन मैंने 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, सेम वैसा ही आटा मैं इसके लिए गूँथना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, एकदम रोटी की तरह हमें इसे गूँथना होता है। तो बस आटा यहाँ पे गूँथ के तैयार कर लिया है मैंने, और बाहर से मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लूँगी ताकि आटा सूखे ना। और उसके बाद हम इसे रखेंगे रेस्ट पे करीबन आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप मोमो बनाने के लिए आटे की जगह मैदे का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम स्टेप फॉलो होंगे, और उसे भी करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखिए। तो आटा तैयार हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है रेस्ट पे। जब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक हम यहाँ पे मोमो की स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे करीबन 1 से 2 टेबलस्पून राइस ब्रैन ऑयल का यूज़ किया है मैंने, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है करीबन 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है वो ऐड कर देंगे। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो ऐड करेंगे, और साथ ही मैंने अदरक भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं 2 से 4 सेकंड के लिए हल्का सा सौते कर लूँगी, और उसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने जिसको फाइनली चॉप किया है वो ऐड कर दूँगी। तो बस इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सब्ज़ियाँ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाई जाती हैं, बस हमें इसका कच्चापन निकालना होता है। तो बस प्याज को करीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा और कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। और इसके बाद इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, तो 1 मीडियम साइज़ की गाजर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था वो ऐड कर दी है, और साथ ही मैंने पत्ता गोभी जिसको फाइनली चॉप कर लिया है वो ऐड कर लिया है। तो बस इनको अच्छे से भूनना है और 2 से 3 मिनट तक ही इनको भूनेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है, और साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च क्रश करके मैंने ऐड कर दिया, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस या विनेगर वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से भी बहुत अच्छी स्टफिंग बनके तैयार हुई थी। तो बस मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, 1-2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर भून लूँगी, और मोमो की स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप सबसे लास्ट में इसको गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियंस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और उसके बाद मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। आटा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैंने रेस्ट पे रखे हुए करीबन आधे घंटे हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं और मल लूँगी 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद ये आटा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद मोमो बनाना स्टार्ट करते हैं। और मोमो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत तरीके से इसको बनाते हैं, बहुत अलग अलग शेप में बनाया जाता है। मुझे गोल वाली शेप बहुत अच्छी लगती है, और मुझसे वही बनती भी है अच्छे से, तो मैं ज़्यादातर गोल वाली शेप बनाती हूँ मोमो की। तो इसके लिए मैंने छोटे साइज़ की लोई ली है, जितनी हम पूरी के लिए बनाते हैं ना लोई, सेम उसी साइज़ का हमें आटा लेना है, और पतली सी पूरी बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पकने में टाइम लगाता है और कई बार कच्चा रह जाता है। तो पतले साइज़ की पूरी मैंने बेल ली है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग भरी है, स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे पहले वाले मोमो में आप देख रहे हैं स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो ये बाहर दिखने लगी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, पतले साइज़ की पूरी बेलनी है, स्टफिंग थोड़ी कम कम ही भरनी चाहिए, और साइज़ आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं छोटे से मीडियम साइज़ का बनाऊंगी, और इस तरीके से इसको गोल गोल घुमा के मैं अच्छे से बाहर से सील कर दूंगी ताकि ये खुले ना और इसमें से स्टफिंग बाहर ना निकले। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मोमो में स्टफिंग फिल करना और उसकी शेप बनाना। और जो एक्स्ट्रा आटा इसमें लगा हुआ है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, कच्चा सा लगता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा आटा निकाल दूंगी और मोमो की शेप देके मैं एक तरफ रखते जाऊंगी।
और दूसरी तरफ मैंने स्टीमर चढ़ा दिया था, इसमें पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हल्का सा बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और जो ये ऊपर का मोल्ड है इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लूँगी ताकि मोमो इसमें चिपके ना। और इसके बाद मैं एक एक करके मोमो की स्टफिंग फिल करके मैं इसमें भरते जाऊँगी ताकि मोमो स्टीम होते रहें और एक साइड में बनाते रहूँ। तो इस तरीके से ये मोमो बहुत अच्छे बनते हैं और करीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है स्टीम होने में, अच्छे से पकने में। और अगर आप मैदा वाले मोमो बना रहे हो ना तो उसको चेक करने का एक तरीका होता है, जब वो पक जाते हैं अच्छे से स्टीम हो जाते हैं तो वो हल्के से ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं, उसके अंदर की स्टफिंग दिखने लगती है। लेकिन आटे के मोमो में ये दिक्कत रहती है कि ये थोड़े से डार्क हो जाते हैं कलर में, लेकिन हेल्दी बहुत होते हैं और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता है दोनों में, दोनों बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो करीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको रखा था स्टीम में और हमारे बढ़िया से वेज मोमो बनके तैयार हो गए हैं। मोमो बनके हो चुके हैं रेडी और इसमें से मैंने एक टेस्ट भी कर लिया है, बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक तो मैं इतने दिनों बाद खा रही हूँ, करीबन 5-6 महीने के बाद मैंने बनाए हैं और बाहर का तो बिल्कुल खाना बंद है तो बाहर से तो हम खा नहीं सकते, जो बनाना है हम घर में बना रहे हैं। तो 5-6 महीने के बाद बनाए हैं मैंने मोमो और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे। और गोभी वाले तो पहली बार ही बनाए हैं तो मुझे पसंद आए गोभी वाले, वैसे सोयाबीन वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं सिर्फ 4 खा रही हूँ क्योंकि डिनर टाइम पे हम लोग खाएंगे और हस्बैंड अभी आए नहीं है, उनके लिए भी मैंने रखे हुए हैं। वैसे वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, खाएंगे भी तो 2 या 3 खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, बाकी सारे मैंने ही खाने हैं, वो उनका हमेशा का ऐसा ही है, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बनाए हैं, 12-13 मोमो बने होंगे टोटल और उससे हो जाएगा हम दोनों का। ये है इसके अंदर की स्टफिंग जो बहुत टेस्टी हो रही है और साथ में चटपटी सी स्पाइसी चटनी। तो किस किस के मुंह में पानी आया है इसको देख के, ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना।